अम्मी अब्बा आ गए। रुबीना अरे खाना लगाओ, बड़े जोर की भूख लगी है। ये ले। अच्छा नमक मेरे ठीक है सालन में? हाँ हाँ ठीक है, ऐसा करो चाय भी साथ ही। अच्छा अबू अम्मी की तबीयत खराब है, इनको सुबह दर्द हो रहा था। क्या हुआ? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस ऐसी काम करते करते थकावट हो जाती है। अबू सच्ची में इनको दर्द हो रहा था, ये नीचे बैठ गई थी। अच्छा वो अंदर दराज में दर्द की गोली पड़ी है, वो ले जाकर खा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रुबीना बहन। वालेकुम सलाम, आओ बैठो। क्या हाल है? बस क्या बताऊं, क्यों थकी थकी सी लग रही हो? हम औरतों के किस्मत में तो बस काम ही लिखे होते हैं। काम तो तुम पहले भी करती थी, ये कौन सा नई बात है, पर आज तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। हाँ तुम ठीक समझी हो, पर क्या करूं बहन, मैं तो शकूर के अब्बा को भी कुछ बता नहीं पा रही। क्या हुआ, खैर तो है ना? मसला ये है परवीन, कुछ दिनों से ना मुझे छाती में दर्द महसूस हो रहा है, जलन महसूस होती है, और अब तो दर्द भी बहुत बढ़ गया है। क्या मतलब, तुम इतने दिनों से डॉक्टर के पास नहीं गई? छोड़ो बहन, डॉक्टर के पास जाना भी कोई आसान काम है? जरा सा चेक करने का इतने ज्यादा पैसे ले लेते हैं, और ऊपर से दवाइयों का बोझ अलग डाल देते हैं, और अगर मर्ज ऐसा निकल आए कि अस्पताल दाखिल होना पड़ जाए तो फिर दवाइयों का खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा? शकूर के अब्बा के ऊपर भी बहुत कर्जे हैं। हाँ ये भी है, पर ये बता दर्द वाली जगह पर सूजन है या कुछ और भी? हाँ मुझे लगता है कि गिल्टी सी बन गई है। हाय मैं मर गई। क्या मतलब, तुम्हें गिल्टी निकली हुई है? हाय परवीन बहन, तुम इतना क्यों परेशान हो गई हो? देखो बहन ये कोई मामूली मसला नहीं, मेरी नंद की हमसाई को भी यही मसला हो गया था, बाद में पता चला कि उसे छाती का कैंसर हो गया है। हाय ला कैंसर, मैंने तो सुना है कि ये बहुत गंदी बीमारी है। हाँ ना, ये नामुराद तो जान भी ले लेती है, वो तो शुक्र है जुलेखा ने वक्त पे इलाज करवा लिया था, वरना छाती भी काटनी पड़ती। मगर बहन घबराना नहीं, मैंने सुना है हकूमत के अस्पताल में इसका मुफ्त इलाज होता है, जुलेखा का भी तो वहीं से हुआ था। बस तू ऐसा कर, भाईजान को बता दे, कल मैं खुद तेरे साथ अस्पताल जाऊंगी। सुने जी, ये कैंसर क्या होता है? है क्या मतलब? सुबह
परवीन आई थी हमारी पड़ोसन, तो बता रही थी कि अगर इस तरह पेन महसूस हो, जलन हो, तो वो कैंसर होता है। सारी मतलब उसको किस तरह पता? उसकी नंद की पड़ोसन को था, उसकी भी छाती में दर्द होता था और उसको भी गुठली महसूस होती थी, जलन होती थी। फिर तो उसने इतना आसानी से उसको नॉर्मली ले लिया, और जब डॉक्टर के पास गई ना तो पता है क्या निकला? कैंसर। अल्लाह खैर करे, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही? तो ना मुझे भी तो छाती में दर्द महसूस होता है, जलन महसूस होती है, और ना मुझे वो गिल्टी सी भी महसूस हो रही है। रुबीना, मुझे नहीं पता था कि मसला इतना संगीन है। मैं तुझे कल खुद डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। वो तो ठीक है, पर मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो घर कौन संभालेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों फिक्र करती है? मैं हूं ना, मैंने कहा ना कि मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें अस्पताल सुबह। बाकी अल्लाह पर छोड़ दे, कुछ नहीं होता। चल आंसू साफ कर। अच्छा बीबी, बात ये है कि आपके अंदर मैंने जो असेस किया है, एग्जामिन किया है, उसमें गिल्टी है, ठीक है? तो उसके लिए कुछ मैं आपको लैब्स लिख के देती हूँ, आपको कुछ टेस्ट करवाती हूँ उससे, ताकि हमें पता चले कि वो क्या क्या है और क्यों है, किस वजह से, कितना पुराना है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। तो ये एक है मैमोग्राफी, ठीक है, ये आपको करवाना पड़ेगा। सेकेंड आ जाता है आपके पास बायोप्सी, और ये आप लाजमी करवाने हैं। थर्ड आपका है CA125 है, ठीक हो गया ना? ये आपने लाजमी करवाने हैं और उसके बाद इसकी रिपोर्ट लेके आनी है, उसके बाद हम आपको बताएंगे किस वजह से। ओके। कैसी तबीयत है रुबीना बहन? दर्द नहीं जा रहा। घबराओ नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। टेस्ट की रिपोर्ट का क्या हुआ? वो गए हैं अस्पताल। टेस्ट की रिपोर्ट का क्या बना भाईजान? डॉक्टर कह रहे हैं कि रुबीना को छाती का कैंसर। डॉक्टर कह रहा था कि कैंसर अभी इतना पुराना नहीं हुआ, इलाज हो जाएगा। कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा।
ठीक ठीक हो जाओगी तुम, ठीक हो कहीं जा रही है, भाई ने मुझे बताया था। हाँ बेटा, मम्मा बीमार है ना, इसने जाना तो पड़ेगा। आप वापस आएंगी? रुबीना एक माँ थी, एक बेलौस माँ जिसकी सारी तवज्जो का मरकज उसके बच्चे थे। कैंसर का सुनकर भी उसकी ममता पर फर्क नहीं पड़ा। मगर आज के बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसे छाती के कैंसर के तवील और सब्र आजमा इलाज के मरहलों से गुजरना था। मगर रुबीना खुशकिस्मत भी थी। जब वो अस्पताल दाखिल हुई तो उसके शौहर ने उसकी देखभाल में कोई कसर उठाना रखी। उसने न सिर्फ रुबीना का ख्याल रखा बल्कि बच्चों को भी खुसूसी तवज्जो देनी शुरू कर दी। अब्बा, अम्मा को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा। ठीक तो हो जाएंगी ना? ये अल्लाह की जात है ना, ये अपने बंदों से बड़ा प्यार करती। जब प्यार करती है तो छोटे छोटे इम्तहान भी तो लेती है। तो ये बंदे का काम है ना कि उसकी रजा में राजी रहे। बस अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। परवीन बहन, आपने ये क्यों तकलीफ की? इसमें तकलीफ की क्या बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है। रुबीना बहन की सुनाएं, क्या हाल चाल है? अच्छी है वो, और जल्दी अच्छी हो जाएगी। और बिलाखिर वो दिन आ ही गया कि जब रुबीना काफी हद तक सेहतियाब होकर अस्पताल से घर लौटी। घर और बच्चों को देखकर उसकी आंखों की चमक लौट आई। घर भर में खुशी का समा था, जैसे जिंदगी एकदम दोबारा मुस्कुरा उठी हो। मगर इस सब के साथ साथ ये एहतमाम भी किया गया कि रुबीना घर पर रहते हुए अपनी दवाइयां जारी रखे और एहतियाती तदाबीर पर भी अमल करती रहे।
जिंदगी अल्लाह का एक नायाब अतिया है, इसकी कदर कीजिए। अपनी सेहत का ख्याल रखें। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मरस है, इससे बचाव का वाहिद रास्ता बरवक्त तशखीस है। अपना मुआयना वक्फे वक्फे से करवाते रहें। किसी भी तब्दीली को महसूस करते ही अपने घर वालों और डॉक्टर से रुजू करें। जिंदगी को आसान बनाएं, ये एक काबिल इलाज मरस है। इसके बारे में बात करते हुए हिचकिचाहट मत महसूस करें, देर ना करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।